हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है क्लास 10 का इंग्लिश पेपर का सभी को मार्क्स तो मिल गया, लेकिन पिक्चर यही ख़त्म नहीं होता है मेरे दोस्त। अभी क्लास 12 वाले बच्चों का जो मैथ पेपर है और इंग्लिश पेपर है, जिस प्रकार सीबीएसई ने सवाल किया है और क्वेश्चन अराइज बच्चों को टर्म 1 में एग्जामिनेशन में किया है, इससे काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनके टर्म 1 में अगर रिजल्ट ख़राब होते हैं, अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो टर्म 2 में उनके मार्क्स नहीं उठेंगे। खास करके उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बातें हो जाएगी जो बच्चे आपको नीट का, जी का मेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं या एग्जामिनेशन या उसके भविष्य है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। तो इस प्रकार तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएगा। तो अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों को इसी तरह से एक यूनाइट होकर रहना पड़ेगा ताकि हम लोगों का 12 वाले बच्चों के साथ भी जस्टिस हो सके और अभी भी 10 क्लास वाले बच्चों के साथ भी बहुत तरह का प्रॉब्लम का उसको सॉर्ट आउट भी टर्म 1 एग्जामिनेशन में हमको कराना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैं आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीज़न आया है उसका भी हमें अब सहारा लेना होगा क्योंकि आपको पता है पिछले साल क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला हुआ था जिसकी फैसला जो है वो आ चुका था। वो मैं आपको यहाँ पर इसलिए आज भी अपडेट करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स मैं आपको, कि सबसे पहले वो मैटर को आप समझ लीजिए कि सीबीएसई ने जब अपना नोटिफिकेशन लाया था तो उस समय सीबीएसई ने कहा था कि जो मार्क्स आपका यानी बिफोर एग्जामिनेशन से पहले जो मार्क्स प्रोवाइड स्कूलों के द्वारा कर दिया गया है वही कंसीडर होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बच्चे कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट या एग्जामिनेशन देने बैठ गए उन बच्चों का मार्क्स पहले के मार्क्स से कम हो गया, तो अब सीबीएसई अपना ही नोटिफिकेशन को बदल दिया। अब वो कहते हैं कि नया जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट को कंसीडर करना होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बच्चे ने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत अच्छी फैसला दिया और उन्होंने सीबीएसई से कहा कि इस तरह से बच्चों से मजाक नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप कंसीडर करके आप इन बच्चों का रिजल्ट को सुधारना होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बच्चों के हित में लिया और इस फैसला से हम सब टीचर्स बच्चों के बीच में भी और भी सम्मान बढ़ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे इस संवैधानिक संस्थाओं का। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मैं यही कहूँगा कि अभी भी यूनाइट होकर रहना है और क्लास 12 वाले बच्चों के साथ साथ क्लास 10 वाले बच्चे यानी अभी टर्म 1 में जितने प्रैक्टिकल हुआ है सीबीएसई ने किया है, उन प्रैक्टिकल में से बहुत अच्छी चीज़ें नहीं निकल के आई है। सो गाइज, वीडियो को लाइक शेयर जरूर क्या कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम आज यूनाइट होंगे तो कल आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद।